क्या गड़बड़ हुआ? बहुत सारे आरोप आप पर लगे प्रदीप गुप्ता जी। जी अंजना जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक्सिस माई इंडिया का पोल हमेशा की तरह स्पॉट ऑन तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, और तीन बड़े राज्यों में गलती हुई है हमसे आंकने में और अनुमान लगाने में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। हमारी जो आपने बताया 360 की रेंज थी लोअर रेंज, उससे करीब 60 सीटें, आप 300 माने तो 60 सीटें पीछे दिख रही है, जो कि 25 सीट उत्तर प्रदेश से, 15 सीटें बंगाल से और करीब करीब 10 सीटों का फेरबदल जो है महाराष्ट्र में हुआ है हमारे अनुमानों से। तो हम इसका जरूर निरीक्षण करेंगे अपने खुद की प्रोसेस में, और इन तीन राज्यों में क्या गड़बड़ियाँ हुई और कैसे हुआ, और ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे। इसके उलट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तीन राज्यों के अलावा 27 राज्यों में जो हमारा अनुमान था वही नतीजों में कन्वर्ट हुआ है, और उसकी वजह से आप ये देख पा रहे हैं जो हमने बड़ी पिक्चर कही थी कि NDA सरकार बनाएगा, उसको मेजॉरिटी मिलेगी, और वो मिलती हुई नज़र आ रही है। रह गई बात असेंबली इलेक्शंस की, चारों स्टेट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो एक्सिस माई इंडिया स्पॉट ऑन नतीजों के लिए जाना जाता है, आप चारों में देखेंगे बिल्कुल वही सीटें हैं जो हमने प्रिडिक्ट की थी। असेंबली का तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का देखिए ना सर, आपने जो दिया था सीट, मैं बता देता हूँ, 64 से लेकर ये 36 सीटें सिर्फ वहां पर आती हुई बीजेपी की दिखाई दे रही हैं, और ये बीजेपी ऐसा वक्त है, मैं बता आप देख रहे हैं कि मीडिया को लेकर, पोस्टर्स को लेकर बहुत कीचड़ उछाला जा रहा है। ऐसे में ये सब, ये मतलब ये भरपूर गलती जिसको कहते हैं, राजस्थानी आप देख लीजिए, राजस्थान में भी 14 आया है, 16 से 19 था। हाँ, 14 आया, 16 कहा था। हाँ। यदि आप अंजना जी कीचड़ उछालने की बात है तो वो उछाल सकते हैं, उनका अधिकार है, उनको पश्चिम ऐसा लगता बंगाल है। मैंने बता दिया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से तीन जगह हमारी गलती हुई है आंकने में, सही अनुमान लगाने में, इसमें कहीं कोई 1% का संदेह नहीं है, और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद एक्सिस माई इंडिया की टीम की तरफ से लेता हूं। वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, वोटिंग परसेंटेज में भी वही हाल है। नहीं, वोटिंग परसेंट में ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मैं बताऊं, 47% हमने NDA के लिए कहा था, जो करीब 45% आता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी खुद के लिए कहा था 40%, जो करीब 37.5% थोड़ी देर पहले तक था, और कांग्रेस पार्टी खुद के लिए हमने 21% कहा था, जो करीब 23% आ रहा है। जहां तक वोट शेयर की बात है तो एक जो मार्जिन रहता है, एरर मार्जिन 2% या 3% का, ये उसके अंदर ही है। 3% से मामला बहुत आगे बढ़ गया है। नहीं अंजना जी, बिल्कुल आपकी मैं पूरी बात से सहमत होता, यदि ये आंकड़े या सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया होती तो मैं ये जरूर कहता। आप ये मानिए कि 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है और हमने 582,000 लोगों से पूछा है, तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि स्पॉट ऑन जैसे के वैसे आ जाएगा 10-20 सीटें ऊपर नीचे करके, ये उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि सरकार बनाते हुए किसको कहा था, वो एक बड़ी बात है। मैंने जैसे पहले का वापस मैं रिपीट करता हूँ, जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं एक्सेस माई इंडिया, वो हमने इस बार नहीं कर पाए, उसमें हमारी चूक हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इंडिया गठबंधन को आपने 71 से 90 सीटें दी थी, उनको 100 नहीं, ये कांग्रेस को, हमने कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस को दी थी 76 सीटें दी थी, उनको 99 के करीब अभी मिलती दिख रही है कांग्रेस को, और इंडिया गठबंधन को हमने 166 सीटें अपर रेंज में दी थी, जो कि 231 मिल रही है, वही 50-60 की जगह अगर 99 आता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होती है? नहीं, जवाबदेही तो किसकी होगी कि जवाबदेही, हमने यदि पूरे के पूरे वोट करते होते और इलेक्शन कमीशन का काम कर रहे होते तो जवाबदेही हमारी पूरी होती काउंटिंग करने में। आप 5 लाख सैंपल साइज और 65 करोड़ को यदि नापेंगे और बोलेंगे कि हूबहू एग्जैक्ट आना चाहिए था, वो संभव नहीं है किसी भी स्टडी।